हेलो सभी को, मैं हूँ सृष्टि। एंड मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं रोज़ अपना जो ब्रेकफास्ट होता है एंड जो डिनर होता है वो मैं खुद पकाती हूँ, एंड कभी कभार लंच में भी कुछ पार्ट्स मैं अपना बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं कैसे सुबह का टाइम हो रहा है कि ये जो मेरा किचन है उसमें थोड़ा कम लाइट आता है, बंद करके दिखा देती हूँ। हाँ, फिर भी दिख ही जाएगा। तो ये जो है सुबह का टाइम है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये खाने को क्लियरली दिखाने के लिए मुझे लाइट चाहिए होगी। सो मैं अपना खाना ऑलरेडी जो है एकदम सुबह मैंने थोड़ा सा खा लिया था, तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बना रही हूँ। अभी तो भूख नहीं लगी है, बट पहले से ही बना के रखी हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, जो आप कर सकते हो खुद को ट्रीट करने जैसा। तो मैंने अपने लिए जो बनाया है, मैं एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल तरीके से खाना सर्व करना खुद को पसंद करती हूँ। ऐसे अगर आपको भी अच्छा लगे तो यू कैन ऑल्सो डू इट। इसमें ना आपको बहुत स्पेशल फील होगा। हम चाहते हैं हमेशा कि कोई हमें थोड़ा स्पेशल फील करवाए, तो क्यों ना हम ही खुद को करवाए। क्योंकि किसी के लिए वेट करेंगे, उसका खुद का काम होगा वगैरह वगैरह, लेकिन भी खुद को खुद स्पेशल फील करवाए। ठीक है, तो मैंने जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पका लिया मैं दिखा लेती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओट्स पक रहा था, हो गया है। और ये मेरा जो है ऑमलेट, मैं बिना तेल का ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि ये इंडक्शन कुकवेयर जो होता है ना, थोड़ा ऑयली होता है तो उसमें आराम से पक जाता है। सॉस थोड़ा सा डालती हूँ एंड उसमें थोड़ा काला ब्लैक पेपर जो है वो डालती हूँ। एंड मैंने अपने देखा है कितने अच्छे से सलाद बना रही हूँ, तो मैं सलाद को थोड़ा सा और अच्छे से बना के पूरा सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं इसको रेडी करके रख दूंगी, जब भूख लगेगा शायद एक घंटा बाद लग जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 10 मिनट पहले खाना खाया। तो अभी मैं रेडी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बाद में वापस से सब कुकिंग वुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। पापा के ब्रेकफास्ट बनेगा, फिर लंच बनेगा, तो फिर यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ें जगह नहीं मिलती है, रोज़ थोड़ा सा स्पेस इश्यूज़ हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी बनाएंगी, तो फिर अभी मैं पूरा रेडी करके रख दूंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सजा लिया है, थोड़ा सा बस सजाना बाकी है। ये फिनिशिंग करते करते मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगी। एक चीज़ है जो ये सेल्फ लव होती है ना, जैसे हम सजा वजा के खुद को दे रहे हैं, जनरली हम क्या करते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं या फिर किसी और इंसान को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, कभी हम खुद को इम्प्रेस करने के लिए शायद ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम खुद के लिए भी ऐसा करें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि सामने वाले को हमने दिया, अभी सामने वाला भी हमको देगा। अभी सामने वाला देना नहीं चाहता है तो ज़बरदस्ती उससे थोड़ी ना मांग सकते हैं, नहीं, राइट? तो खुद को जितना भी आता है हमारे इफ़र्ट्स, अगर हो सकता है हमने जितना दिया उसको वो पसंद नहीं आया, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया, तो हमारे जो इफ़र्ट्स है ना वो रिकग्नाइज नहीं होते हैं कभी कभार। वो अच्छा इंसान होगा तो ज़रूर करेगा, या हमसे प्यार करेगा तो ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है, तो क्यों रिस्क ले, राइट? तो हम चाहते हैं कि वो हमारा इफ़र्ट्स रिकग्नाइज करे, हमारे लिए भी करे। क्यों इतना कुछ करना, जितना भी हमें आता है खुद को ही थोड़ा सा हम कर देते हैं ना खुश। इंडक्शन का वो स्विच ऑन था तो ऑफ कर दिया, तो हम खुद को ही खुश कर देते हैं, खुद के लिए ही हम कर लेते हैं, तो फिर उससे काम बन जाएगी ना, उससे क्या होगा हम खुद भी खुश होंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ मेरा जो ये प्लेट है ना, मैंने ऐसे सजाया है। मेरे जो प्याज है आप देख सकते हो कैसे दिख रहे हैं। अभी किसी और के लिए करूँगी, इतना प्यार से किया शायद नहीं कर पाई शेप्स अच्छे से, ऐसे पूरा एकदम लाइन में। छोटा सा प्याज था ना, मतलब एकदम साइज इतना सा था, तो लंबा सा था, उसमें ही कर दिया। तो उसमें वो क्या करेगा ना, वो इंसान फिर कमेंट कर सकता है, अरे कैसा क्या मजाक उड़ा देगा, तो उसमें क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अगर कोई मजाक उड़ा देगा या फिर कोई ऐसे कुछ बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पे हम डीमोटिवेटेड होते हैं एंड फिर रोने लग जाते हैं, फिर हमारा मूड खराब होता है, इतना कुछ मेहनत किया फिर भी ऐसा बोला, वाई इज़ इट नेसेसरी? हम खुद के लिए क्यों नहीं करते? खुद के लिए हमेशा ना, जैसे बचपन में ऐसे मूवीज में दिखाते थे कि कोई बस आ जा रही है, कोई रोड के बीच में खड़े है, जो प्यार करते हैं उसको बचा के खुद आ गया, बस के नीचे जान दे दिया। मुझे अजीब लगता था, अरे भाई उसको खींच के अपने तरफ लाओ, खुद भी बचो उसको भी बचाओ, दोनों बचो ना। दिस इज सेल्फ लव, खुद के लिए भी उसके लिए भी। एंड वो अगर रिकग्नाइज करे नहीं करेगा तो उसके लिए मत करो, खुद के लिए तो ज़रूर करो। एंड ये वाला जो वीडियो है ना वो एक ग्रैटिट्यूड वीडियो भी है मेरे एक्स के लिए, मिस्टर सार्थक महातो, जिसको मैं क्रिश बुलाती थी या बबल्स भी बुलाती थी, उसका वो निकनेम है।
उसके वजह से ना मुझे मिस्टर रोहित खत्री के बारे में पता चला, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है। अगर कृष्ण देख रहे हो ये वीडियो तो थैंक यू टू यू, ठीक है। तुम्हारी वजह से मुझे रोहित भैया के बारे में पता चला। उनसे मैं फिलहाल 3 हफ्ते हो गए डाइट प्लान पे हूँ, उससे मेरे 2 किलोज रिड्यूस हुए हैं। डाइट प्लान मुझे ज़रूरी था क्योंकि मैं ना खुद से कुछ भी अजीब गरीब खा रही थी, अच्छा शायद खा रही थी, बट दैट वॉज नॉट एक्चुअली सर्विंग मी राइट। तो फिर मुझे चाहिए था, तो अभी जो मैं खाना खा रही हूँ वो भी एक्चुअली रोहित भैया जो है वो बहुत अच्छे से मतलब नोन फेस है फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री, लेकिन हाँ इतने इतने बिजी रहते हैं फिलहाल, रिस्पॉन्स उनका बहुत रेयर आता है। बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे लिए एक क्योंकि मुझे जिम नहीं जाती हूँ मैं, तो होम एक्सरसाइजेस में ही उन्होंने मुझे एक्सरसाइज प्रोवाइड किया, जबकि मैं करती ही थी। मैंने फिर भी उनको बोला कि कुछ डंबल्स से बता दीजिए, डंबल्स तो है मेरे पास, या कुछ अच्छे एक्सरसाइज बता दें, आई होप आई प्रे कि वो बता दे मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नया प्लान आ जाएगा, 3 हफ्ता हो गया है। तो अभी जो खाना खा रही हूँ तो उन्हीं के प्लान से, बीच में मैं थोड़ा बोर हो गई थी तो मैं बीच में उन्होंने दही एंड दूध मुझे खाने से मना किया, लेकिन मुझे इतना आदत है कि मैंने बीच में थोड़ा सा खा लिया था, बोर हो गई थी, 2 हफ्ते बाद मैंने थोड़ा 1 हफ्ते के लिए थोड़ा बीच में वैरायटी कर दिया खुद ही। तो उनका शायद नया प्लान आ जाएगा, अभी मैं ओट्स एंड ऑमलेट विथ सलाद में ले रही हूँ, तो फिर वो उन्हीं का प्लान है, तो ये मैं बाद में खाऊंगी। एंड आप लोग अगर चाहे तो उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल उस प्लान में हूँ, अभी 3 महीने का प्लान है, देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है मैं थोड़ी सी स्लिम ट्रिम हो गई हूँ ना, ठीक है, तो फिर आप वो देख सकते हैं। एंड थैंक्स मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली रोहित भैया के बारे में, मुझे डाइट प्लान चाहिए था। एंड ऐसे बाद में तो पता चला ऐसे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में पता था, उनको फॉलो करती थी। इस साल पता चलने के बाद मैंने सोचा था कि मैं उसको भी करवाऊंगी, उसको मन था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर सोचा खुद ही कर लेते हैं यार, क्या पता चला भगवान ने इशारा दिया तो कर लेते हैं। तो फिर मैं अपना फाइनल जो है खाना, ये जो ऑमलेट है ना, इसको इसके अंदर डालने का मन था, लेकिन क्योंकि इसमें मैंने सॉस वॉस डाला तो नीचे सॉस फैल गया है, तो इसमें लूंगी तो फिर कल अच्छे से करूंगी, फिर आप लोगों को दिखा दूंगी कल या किसी और दिन, ठीक है। मैं एक बार टर्न करके दिखा देती हूँ। तो ये है ओवरऑल, ठीक है, मैंने जो सजाया है ये, ऑब्वियसली ये प्याज जो है ना वो और अच्छे हो सकते थे, बड़ा प्याज मिलता तो मैं अच्छे से करती। एंड जो ये खीरा है मैं वहां पे भी रख सकती थी, एंड ऑमलेट को इधर। तो मैंने पहली बार जो है ना ऐसे शूट पे किया है, एंड जनरली मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से सजाती हूँ, लेकिन रोज तो ऐसा नहीं करती हूँ। आज आप लोगों को दिखाना भी था ये, और उसमें थोड़ा सा मैंने और सब्जी एंड क्या बोलते हैं सलाद डाल दिया है, तो मैं अच्छे से करूंगी अगले इसमें एंड आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, मुआ।